तो भाई मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि भाई बीजन का कैंकर हो और कपास ही हो, उसका मेडिसिन दवाई के ऊपर हम कैसे हमारा बीजन को ठीक कर सकते हैं आपके साथ मैंने डिस्कशन किया था। और उसका देसी इलाज कौन सा है मैंने आपको बताया था कि भाई जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपके साथ देसी नुस्खा देसी इलाज बताऊँगा। हर टाइम कुछ मैं देसी इलाज भी बताता हूँ आपके साथ, मेडिसिन का जो भी रिजल्ट मैंने खुद मेरे को रिजल्ट मिला मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और बहुत भाइयों को अभी तक रिजल्ट मिलता है, मैं भी उसका फीडबैक कौन से भाइयों का कुछ रिजल्ट मिला है क्या उन कमेंट दे रहे हैं उसके ऊपर भी मैं आपको शो करूँगा। फिलहाल जो भी वीडियो होता है तो आपके फ़ायदे के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, बहुत लोग को भी हमेशा रिजल्ट मिलता है। तो कपासी होना बीजन का कैंकर के लिए हमको देसी इलाज कौन सा करने से हमारा फिलहाल कबूतर सुस्त रहेगा तो हमको मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले भाई मैं एक टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ। तो भाई हमेशा जो भी डिजीज होता है, हमेशा जो भी बीमारी होता है तो भाई पहले स्टेज जब भी बीमारी पहले शुरू होता है तो आप पहले दिन से अगर चालू करोगे तो भाई आपका कबूतर कभी बीमार नहीं पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं कि भाई कबूतर को तो सर्दी हो गया, हाँ मेडिसिन देंगे, ऐसे हम सोच रहे हैं कि हाँ भाई बाद में दे देंगे, तो ऐसे करने से क्या होता है बीमारी ज़्यादा हो जाती है तो भाई बाद में हमको उनको बचाने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हमको बीमारी हो जाता है, मतलब अगर नॉर्मल एग्जांपल सर्दी होता है तो भाई हम अगर मेडिसिन पहला दिन से ले लेते हैं तो बुखार के ऊपर हम नहीं जाएंगे, बुखार नहीं होगा। पहला दिन से अगर सर्दी हुआ है तो मेडिसिन ले लेते हैं, कुछ ना कुछ इलाज हम खुद का कर देते हैं तो भाई हमको सर्दी से बुखार तक नहीं जाता है ना। तो फिलहाल वो भी एनिमल से उनका अगर हम सौ के हम पिजन का सौ करते हैं तो जितना मैं आपके लिए जितना होता है देसी इलाज हो मेडिसिन हो आपके साथ हमेशा कुछ ना कुछ शेयर करता हूँ। बहुत लोगों को मेरे को बोलते हैं कि तुम मेडिसिन बता रहे हो ये बता रहे हो, बहुत लोग को भाई अगर कोई बोलता है ना सामने में वीडियो में मेडिसिन वगैरह जो बोलता है तो दूसरे लोग बहुत लोग होंगे आपका टाइम खींचने के लिए, वो लोग तो कभी ऊपर नहीं जा पाएंगे। आपको हमेशा अगर कोई बता रहे तो सोच रहेंगे क्यों वो बता रहा है सबको, तो भाई सबको अगर हेल्प करेंगे तो दूसरा बंदा हमको हेल्प करेगा। अगर मैंने पिजन का शो किया है 15-20 साल से, अगर मेरा पास कुछ नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जिन भाई ने अभी नया सेटअप नया शुरू हुआ है शुरू किए हैं पिजन रखने के लिए नया शौक में आ रहे हैं तो उनके लिए फ़ायदेमंद है। जो जो मेडिसिन मैंने बताए हूँ जितने उस्ताद भी है जो भी है भाई ये मेडिसिन बहुत ही कारीगर चीज़ है। जो भी वीडियो मैंने चैनल पे ऊपर डाला हूँ सब 100% से 90% आपका असर करेगा, 100% से 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आप ये नुस्खा एक एक बार ट्राई कीजिए तो वीडियो को ज़्यादा भी नहीं लंबा करेंगे। और बहुत लोग भी मेरे को कमेंट करते हैं दूसरा कुछ टॉपिक डालने के लिए, मैं आपके लिए जो भी वीडियो होगा भाई धीरे धीरे डालूँगा। ज़्यादातर बहुत मेरे को कमेंट आते हैं बीमारी के ऊपर, बहुत लोग कहते हैं भाई पिजन का शो करवाओ, वो तो होता है बीच में सभी वीडियो आपको मतलब चैनल में बीमारी के का बीमारी होता है कौन सा दवाई दूंगा कौन सा इलाज और कबूतर का भी शौक होता है और पिजन का रिंग हो घुंगरू हो सब भी शौक होता है। तो भाई वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, बहुत लोग भी बोलते हैं भाई लंबा बोल देते हो बीच बीच में। तो पिजन का जो देसी इलाज पिजन कैंकर हो कपासी हो वो क्या होता है, मुँह में व्हाइट जैसा हो जाता है, क्लियर हो जाता है, कबूतर दाना वगैरह नहीं खाता है तो उसको आप पहले स्टेज में देसी इलाज क्या करेंगे। हमारा घर में सबके घर में भाई सरसों तेल रहता है, ध्यान से सुनना सरसों तेल, गर्म करने की ज़रूरत नहीं, सरसों तेल लाना है उसको एक कप में डाल देना है। और हमारा कान साफ करने के लिए एक आता है ईयरबड, और एक मतलब ईयरबड आता है स्टिक आता है उसके ऊपर कटन रहता है दोनों तरफ, वही ईयरबड में सरसों तेल लेना है और उसका मुँह में जहाँ पर हुआ है प्रेस करके वही ईयरबड में दिन में तीन बार सरसों तेल लगाइए और मुंह को साफ कीजिए। और आपका फिलहाल कबूतर भाई अगर आज शुरू हुआ है ना तो दो दिन तीन दिन के बाद आप खुद मेरे को फ़ोन करोगे कि भाई हाँ आपने क्या देसी इलाज बताया भाई मेरा कबूतर फिलहाल मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं हुआ तो भाई फिलहाल मेरा कबूतर सुस्त हो गया। अगर आप पहला दिन से मार कर दिए, ज़्यादातर क्या होता है अभी बारिश के टाइम में भी बीच बीच में हो जाता है, कपासी होता है, कैंकर होता है, मुँह में हो जाता है, बच्चे को भी होता है, तो आप अगर फास्ट तेज से अगर मार कर देंगे तो उनको सरसों तेल में उसका मुंह को अगर साफ कर देंगे ईयरबड में, अगर एक काम करना एक फर लेना कबूतर के एक फर लेना वो सरसों तेल में उसको पूरा भिगा देना और वो फर को मुंह में पूरा ऐसे मुंह में घुसा के पूरा साफ कर देना, फर को ऊपर नीचे कर देना, जो भी सरसों तेल होगा वो गले के ऊपर नीचे होके चला जाएगा
तो उसका रिजल्ट मिलेगा। बहुत लोग बोलेंगे कि भाई ये काम नहीं करेगा। मैं आपको ये वीडियो में और एक चीज़ भी बता रहा हूँ, अगर आपके ऊपर मैं बता रहा हूँ, अगर मुंह में बीच बीच में आपका पेट में, अगर पेट गर्म हो जाता है बीच बीच में, क्या होता है आपके मुंह में, मतलब ये साइड में, ये साइड में, ये साइड में एक वाइट वाइट जैसा हो जाता है, और आप जब खाना खाते हैं ना वो जलता है। तो आप एक काम कीजिए, घर में जो सरसों तेल रहता है ना, दिन में 2-3 बार लगा दीजिए, फिर मेरे को बताइए ये रिजल्ट कारीगर है कि नहीं है। मेडिसिन खाने की, रिबोफ्लाविन लोग खाते हैं, बिकोसुल खाते हैं, बी कॉम्प्लेक्स खाते हैं, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से सरसों तेल 2-3 बार दिन में लगा दीजिए, आराम से ठीक हो जाएगा। आपके ऊपर खुद आजमा के देखिए, फिर मेरे को बताना। और कबूतर तो भाई परिंदा है, वो भी ठीक हो जाएगा। आप देसी में इलाज में आप उनको ठीक भी कर सकते हैं। तो भाई सरसों तेल में मुंह को पूरा साफ कर दीजिए दिन में 2-3 बार। अगर आपको ज़्यादा हो गया, आपको मालूम नहीं है, तो आप क्या कीजिए, मेट्रोजिल 200, मेट्रोजिल 200, मेट्रोजिल 400 जो भी आपके पास है, तो मेट्रोजिल 200 को क्या करना है, एक टैबलेट को 6 हिस्सा लेना है, एक हिस्सा, और उसके साथ एक मॉक्स 250 आता है, मॉक्स 250 को 4 हिस्सा करना है, एक हिस्सा उसके साथ देना है, मतलब मॉक्स देना है उसके साथ मेट्रोजिल देना है। मेट्रोजिल और फ्लाजिल वही एक ही चीज़ है, दोनों आप खाने के बाद दिन में 2 टाइम दे सकते हो। सरसों तेल में साफ कर दिया, उसके बाद में आप दे भी सकते हो। अगर इन जिन भाइयों को रिजल्ट नहीं मिलता है, ज़्यादा हो गया है, तो आप मेडिसिन भी इलाज कर सकते हो, ठीक है। तो पहला पार्ट में अगर आपको जाना है, तो मैं ऊपर भी शो कर दूंगा कि भाई पहला पार्ट आपको शो करेगा, पिछले पार्ट में भी जाके देख सकते हैं कौन सा इलाज करेंगे, तो आपका फिलहाल कबूतर स्विच हो जाएगा। आप ये नुस्खा ट्राई कीजिए, मेरे को कमेंट कीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है भाई, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।